डॉक्टर देवेंद्र राठौर भैया, और आज हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे लो लेवल लेजर थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो जो लो लेवल लेजर थेरेपी होती है, ऐसा कोई मतलब इसे FDA या WHO इसे कुछ इसका कोई मतलब प्रमाणित नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस मैंने देखा है कि अगर मैंने किसी किसी पेशेंट को ड्यूरिंग द ट्रीट मतलब साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मिजो सॉल्यूशंस और इन सब के साथ में अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में अगर हमने लो लेवल लेजर थेरेपी दी है, तो उसके अंदर जो मतलब हेयर ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिली है। ठीक है, जनरली ये हेयर लॉस को जो रहता है प्रिवेंट करता है, आपका जो सर्कुलेशन लेवल रहता है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो आप लो लेवल लेज़र के लिए अगर आप देख रहे हो, तो आपको मैं एक नॉर्मल कॉम्स आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इक्विपमेंट आते हैं, तो इक्विपमेंट तो प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कॉम्स आते हैं वो आप घर में आप यूज़ कर सकते हो। 3 times a week आप 10 से 15 मिनट आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी कोई लेज़र नहीं रहती कि वो आपको बर्न करेगा या बहुत गर्म रहती है वो, लेकिन उसकी जो एफिकेसी देखी गई है कि वो वहाँ पर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप लो लेवल लेज़र थेरेपी को आप एक हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के साथ आप जनरली ले सकते हो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, तो बिल्कुल सेफ है ये। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर स्टॉप कर दीजिएगा, लेकिन इनिशियली मैंने देखा है काफ़ी सारे पेशेंट में इसकी एफिकेसी ठीक मिली है मुझे, अच्छा एक जो बोलते हैं ना कि नॉर्मल से बढ़िया मिली है। जो मेरे पेशेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को मैं देता हूँ, तो आप ज़रूर एक बार इसे कंसिडर करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।